हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग वंस अगेन. सो आफ्टर टू डेज ऑफ गैप वी आर लाइव अगेन ऑन स्कूल लाइफ वर्सेस कॉलेज लाइफ. सो टुडे विजेंद्र कुमेरिया फ्रॉम नागिन फो इज गोइंग टू जॉइन अस लाइव. आई नो लास्ट दो दिन काफ़ी भारी थे बॉलीवुड के लिए, इंडिया के लिए. वी लॉस्ट टू ग्रेट जेम्स ऑफ बॉलीवुड, ऋषि जी एंड इरफान सर. So great loss to Bollywood. So that's why we were not coming live from last 2 days. But yeah, today we are live once again, and let's see, Vijendra sir is going to join us. So I'm waiting. So let's see, we are waiting for Vijendra sir to join in. Hello sir. Hi Vishal, how are you? Yeah, I'm good sir. How are you? I'm fine. Yeah, I think you are just adjusting your frame now right now, right? Yes, yes. Just give me a minute. Yeah, sure. Yeah. So we have the very dashing and talented Vijendra Kumeria live with us right now. So sir, आई नो हम पहले काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, हम परसों लाइव आने वाले थे, बट व्हाट हैपेंड अस 2 days, उससे एनर्जी भी कम हो गया आई गेस. यस ऑफ कोर्स, वी हैव लॉस्ट लाइक टू जेम्स ऑफ द इंडस्ट्री. और पर्सनली कहूँ तो मेरे भी दोनों बहुत ही फेवरेट एक्टर्स हैं, ये इरफान खान ऑब्वियसली. उस दिन हम लाइव जाने वाले थे तो उस दिन किसी से बात करने का मूड भी नहीं था. सो थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट. एंड इसलिए और नेक्स्ट डे इतना बड़ा शॉक लगा कि ऋषि कपूर जी, जिनके हम इतने सालों से बचपन से देखते आ रहे हैं, उनके साथ ऐसा हो गया. तो कल भी ऐसा ही कुछ मूड था, बट लाइफ हैज टू मूव ऑन. सो टुडे वी आर हियर टू चैट एंड टॉक. या सो सर, लॉट्स ऑफ फैंस हैव गिवन मी क्वेश्चंस, यहां पे एंडलेस लिस्ट है मेरे पास. सो आई होप आप टाइम देने वाले हैं मुझे, सो मैं आपके क्वेश्चंस ले लूं. And people was be thinking कि हम फिर से live, 2 दिन live नहीं थे because of the demise of Rishi sir and Irfan sir. हमने वो postpone किया था आज जो live session परसों होने वाला था. तो आज हम Vijendra sir के साथ live है for the quarantine. Yeah. So let me start. So Smita है कोलकाता से and ये कह रही है, I am your very big fan Vijendra sir and I want to ask, does you prefer acting for film or for theatre alongside TV? थैंक्स मिता फॉर द क्वेश्चन. थिएटर मैंने एक्चुअली कभी किया नहीं है, एंड टू बी ऑनेस्ट अभी तक सिर्फ टेलीविजन किया है मैंने, और बहुत लगन के साथ करता हूँ जितना होता है, जितना आता है, जितना कर पाता हूँ. एंड डेफिनेटली एज एन एक्टर, फिल्म या वेब सीरीज आगे करने का बहुत मन है, पर कुछ अच्छा आएगा तो जरूर उसको लपक लूंगा. What inspired you to take acting as your profession? Inspired तो actually मैं यही कहूँगा कि बचपन से हम जो movies और हमारे heroes की films और ये सब देखते हैं, तो घर में मेरी दादी हमेशा देखती है. ये बात मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि मेरी दादी बहुत फिल्में देखती थी, तो खुद की हमारी एक library थी, VCR पे लगा के हर रोज एक नई कोई movie चलती थी. उस time पे आप videos की कैसेट्स लाते थे और देखते थे, तो वो एवरी डे होता था. और बचपन से मैं ये देखता आ रहा था, और बचपन से मुझे तो लगता है कि वैसे हिंदुस्तान में सब लोगों को बचपन में कहो या जो भी अंदर होता है ये एक्टिंग का कीड़ा. और मैंने कहीं पे सुना भी था अनुपम खेर जी को बोलते हुए, जो अच्छा झूठ बोल सकता है वो अच्छी एक्टिंग कर सकता है. तो ये टैलेंट तो था मुझ में, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे करियर बनाया जाए. ग्रेट ग्रेट. सो वन क्वेश्चन इज, वन कॉम्प्लीमेंट इज कमिंग फॉर यू. जॉक्स, शैम जॉक्स है एंड शी इज फ्रॉम इंग्लैंड. ये कह रही है, हाय विजय सर, अ बिग बिग फैन ऑफ योर्स, सीरियसली लव यू एंड वेयर इज योर क्यूट लिटिल डॉटर? थैंक यू. माय क्यूट लिटिल डॉटर किमाया, शी इज स्लीपिंग राइट नाउ. इट्स हर स्लीपिंग टाइम, दैट्स व्हाई नॉर्मली आई कीप माय चैट्स एट दिस टाइम. Because it gets very difficult when she's around. She's very naughty. She doesn't let me. ये camera जो है अभी तक हिल गया होता,
यहाँ से. सो दिस इज अ पीसफुल टाइम टू चैट एंड डू लाइव चैट्स. दैट्स व्हाई आई प्रेफर दिस टाइम. जैद जाफरी है एंड ये कह रहे हैं हाय देव, एक बार मुझे हेलो बोल दीजिए। हाय जैद, थैंक्स मेरे कैरेक्टर को याद रखने के लिए. अभी 1 महीना हो गया, तो मैं कल अपनी वाइफ से यही बात कर रहा था कि मैं खुद थोड़ा थोड़ा भूल रहा हूँ. तो पता नहीं लोगों को याद होगा कि नहीं. जी सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड ये भी स्मिता का ही है। ये पूछनी है कि व्हाट थिंग यू लव द मोस्ट अबाउट देव इन नागिन फोर। देव इज अ वेरी पॉजिटिव कैरेक्टर, वेरी इनोसेंट मैच्योर, बट स्टिल ही हैज दैट फन पार्ट ऑल्सो उसकी लाइफ में आजकल. लेकिन बहुत कुछ चल रहा है जो प्यार में कई लोगों के साथ हो जाता है, तो उसके साथ भी हुआ है. बट ओवरऑल ही इज अ वेरी गुड पर्सन. तो मुझे वो कैरेक्टर बहुत पसंद है, बहुत लवेबल है, इसीलिए शायद जो भी फैंस हैं उन्हें बहुत पसंद आ रहा है. और जो मैंने पहले कैरेक्टर किया इससे पहले, जब हमने पिछली बार चैट की थी, तो उस बारे में बहुत बात की थी, सूरज का, जी उससे राइट कंप्लीटली डिफरेंट है. वो बहुत स्वैग वाला, एटीट्यूड वाला कैरेक्टर था. पॉजिटिव, लेकिन उसका एक अलग स्टाइल था. ये बहुत अलग तरह का, मतलब बहुत ही लवेबल कैरेक्टर है. राइट राइट थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो। हाउ डू यू हैंडल योर स्ट्रेस एंड प्रेशर अलोंग विद सो मच ऑफ शूटिंग एंड एक्टिविटीज। यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड ऑन व्हाट यू आर डूइंग. हम जब घर से निकलते हैं, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं बहुत पैशनेट हूँ अभी भी. जब मैं रोज जाता हूँ, आई लुक फॉरवर्ड टू यू फेसिंग द कैमरा. तो पहली चीज तो ये कि स्ट्रेस आता ही नहीं है. स्ट्रेस तब आता है जब मैं शूट नहीं कर रहा होता हूँ, बिकॉज नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर थिंग, बट बिकॉज आई रियली लव दिस क्राफ्ट. मुझे बहुत मजा आता है ये शूटिंग के सारे एस्पेक्ट्स, राइटिंग से लेके एक्टिंग, एडिटिंग वगैरह, सब सब में बहुत इंटरेस्ट है. तो मुझे उधर स्ट्रेस नहीं आता है. स्ट्रेस तब होता है जब शूट नहीं कर रहा होता हूँ. ओके सो अभी लॉकडाउन तो मतलब स्ट्रेस में जा रहा है सर का। हाँ, एक तरह से स्ट्रेस, लेकिन उस स्ट्रेस से लड़ना भी आता है. सी अगर देखें तो ये प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये करना. तो इस चीज में ये स्ट्रेस तो नहीं है कि अरे काम कब करेंगे. ऑब्वियसली करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे. लेकिन इस स्ट्रेस से लड़ना, ऑब्वियसली थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट, कभी मूड ऑफ हो जाता है, लेकिन फिर आपको पॉजिटिव रहना होता है, बिल्कुल रहना आना चाहिए. अपने आप को दूसरी चीजों में बिजी करना चाहिए, जैसे अपनी हॉबीज हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए. पेंटिंग होती है या रीडिंग होती है. दूसरा एक स्ट्रेस बस्टर तो मेरे घर में है, मेरी खुद की प्रोडक्शन, मेरी बेटी, तो उसके साथ बहुत टाइम स्पेंड होता है. तो स्ट्रेस रहता नहीं है ऐसा. तो अपने घर का माहौल थोड़ा सा आप पॉजिटिव रखिए, अपनी सोच पॉजिटिव रखिए. जो भी आपको अच्छा लगता है वो करिए, कुकिंग करिए, पेंटिंग करिए, रीड करिए, जो भी है, तो स्ट्रेस फ्री रहेंगे आप. लाइक मैंने वो वीडियो देखा था, शी वॉज वेरी क्यूटली रिक्वेस्टिंग कोरोना गो कोरोना। हाँ, वो आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा जल्दी पिकअप कर लेते हैं चीजें. तो और उसे भी, बच्चों को आजकल ग्राउंड में जाने नहीं मिलता है, खेलने नहीं मिलता है, प्ले ग्रुप में अपने स्कूल नहीं जा सकते. तो 1-2 दिन लगे थे समझाने में कि ऐसा है, बाहर कोरोना है, ये है. फिर न्यूज चलती है, तो न्यूज में अगर आपको याद होगा, एक ये स्लोगन थोड़ा सा न्यूज में आ गया था, गो कोरोना, कोरोना का वो वीडियो वगैरह भी उसने देखा था. तो वो पिकअप कर लिया. एंड ऐसे मजाक मजाक में कभी बोल देते हैं. तो उस टाइम वो वीडियो में जब हम सब कैंडल लाइट कर रहे थे, तो शी स्टार्टेड दैट. ओके ग्रेट ग्रेट टू नो दैट। शर्मी है एंड ये कह रही है आपका आज का लुक माशाल्लाह कहर डाल रहा शुक्रिया. ये एक्चुअली ऐसा कोई लुक तो नहीं है, ना मेकअप है, ना हाँ बाल बनाए हैं. एक बैंड पहन लिया मैंने, वो भी किसी का मांगा हुआ ही है घर पे. बट जितना सिंपल है उतना अच्छा है ना. है। या बट सर और एनीवेज आप मेकअप में हो या ना हो यू आर ऑल टाइम अच्छे दिखते हैं। थैंक यू विशाल. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। विल यू एवर प्ले अ बोल्ड रोमांटिक सीन इन एनी वेब सीरीज। एज वी नो यू आर वेरी शाय डूइंग इट ऑन ऑन स्क्रीन बोल्ड सीन्स या जो भी है। सो वुड यू बी कंफर्टेबल डूइंग सच काइंड ऑफ सीन्स ऑफ वेब सीरीज इन कमिंग टाइम। बात शाय होने की नहीं होती है, बात हमेशा ये होती है. मेरे डिस्कशंस हमेशा ये होते हैं कि क्या सीन की रिक्वायरमेंट है, या फिर आप उसे जबरदस्ती डाल रहे हैं. इफ आप जबरदस्ती डाल रहे हैं तो मुझे उस चीज से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है. लेकिन कई बार होता है स्क्रिप्ट में, और आपका जो मीडियम है
उसमें ऐसे सीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप वो प्रिपेयर्ड होके ही लेते हैं ऐसा कुछ? और आपको स्क्रिप्ट वेब सीरीज वगैरह में तो पहले से ही आपके हाथ में दे देते हैं, आप पढ़ लेते हैं, तो अगर मुझे ठीक लगा तो डेफिनेटली करूंगा, नहीं तो मैं ऐसी स्क्रिप्ट लूंगा ही नहीं। ग्रेट राइट. सुकोर मीजे फैन क्लब है एंड ये कह रहे हैं, हाय डियर बीजे, आई एम होमा, योर बिग फैन, लव यू अलॉट. होमा हाय है ये. उमा जी, ये मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स फैंस हैं जिनके नाम मुझे एक बार कोई बोलता है या फिर मैं कहीं पे पढ़ता हूँ तो मुझे कनेक्ट हो जाता है, बिकॉज इतना सारा प्यार, इतने सारे गिफ्ट्स, कई बार मिठाइयाँ, ये सब सेट्स पे भेजते रहते हैं, तो आई रिमेम्बर देम। एंड नॉर्मली भी जो एडिट्स वगैरह मेरे फैंस बनाते हैं, जितने मैं देख पाता हूँ मैं सारे के सारे देखता हूँ, लाइक भी करता हूँ, बट थोड़ा मुश्किल हो जाता है सबको रिप्लाई करना, तो राइट मैं लाइव चैट्स में हमेशा एक बार ये तो बोलता ही हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव दैट यू हैव शावर्ड अपॉन मी, थैंक यू। ग्रेट ग्रेट. विजेंद्र कुमेरिया ऑब्सेस्ड एक इंस्टा आईडी एंड ये भी कह रहे हैं, सर योर हेयर बैंड लुक इज लुकिंग अमेजिंग टुडे. सर देखो ओ स्टाइल बन थैंक, गया है. ये स्टाइल बन गया, ओके फाइन। चलो ठीक है, वही मैं कह रहा था ना, सिंपल चीजें जो है ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, तो लाइफ में सिंपल रहना बहुत जरूरी है, और मैं वैसे भी बहुत सिंपल ही रहता हूँ जब शूट नहीं कर रहा होता हूँ, यू विल नेवर सी मी बहुत ज्यादा स्वैग और ये सब चीजें, आई डोंट बिलीव इन दैट, एंड दैट इज वॉट आई एम, दिस इज वॉट आई एम इन रियल लाइफ। नहीं सर, बट सर सिंपल थिंकिंग, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज ऑलरेडी काफी हम्बल है. जी मीरा मीरा है एंड ये आपसे रिक्वेस्ट करिए, सूरज प्लीज एक बार मेरी स्टोरी देख लीजिए, मैं रोज आपके लिए कुछ ना कुछ पोस्ट करती हूँ. मीरा दोष मेरा मीरा मीरा द्वेषा, दोष ठाकुर डेफिनेटली मैं जरूर सर्च करने की कोशिश करूंगा, तो अपने मैसेजेस में भी जाऊंगा, इनबॉक्स में कई बार नहीं देख पाता हूँ, तो मैं आई विल सर्च फॉर इट। या. नेक्स्ट क्वेश्चन है पायल देव, है पायल देव एंड ये पूछ रहे हैं, डू यू लाइक कपिल शर्मा की कॉमेडी एंड वी वांट टू सी विजय इन द कपिल शर्मा कॉमेडी शो एज अ गेस्ट. कपिल शर्मा की यस मुझे बहुत पसंद है उनकी टाइमिंग, और जो भी मतलब गेस्ट आते हैं उनके साथ जैसा इंटरेक्शन उनका होता है, मैं एक बार तो शायद मैं, हाँ एक बार या दो बार मैं गया हुआ हूँ उनके सेट पे, क्योंकि जब वो कलर्स पे थे तो हमारी जो कलर्स फैमिली हो जाती है एक, तो हमने शो किया था एंड बहुत मजा आया था, एंड डेफिनेटली क्यों नहीं, उनके साथ कभी काम करने का मौका मिला तो जरूर। ग्रेट ग्रेट. सो ये पूछ रहे कि सर आप दुर्गा पूजा में कोलकाता आएंगे क्या इस साल? जी अगर मैं शूट नहीं कर रहा हूं और कोई ऐसा मौका लगा कि आप आऊंगा तो जरूर आना चाहूंगा, मैंने भी कभी कोलकाता की दुर्गा पूजा देखी नहीं है, सुनी है, टीवी वगैरह पे देखा है, लेकिन कभी एक्सपीरियंस नहीं किया खुद, तो इन लाइफ आई वुड लव टू डू दैट वंस। ग्रेट ग्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज He's saying that we all know you are a king of expressions and giving perfect expression is an art for Vijendra. So over 1 year we are seeing you. So how do you manage giving such perfect expressions according to the situation and scene? वेल थैंक यू सो मच, ये एक्चुअली कुछ जानबूझ के ऐसे कोई एक्सप्रेशन नहीं होते हैं जो कोई भी एक्टर मुझे लगता है कि लाता होगा या अपनी आंखों से करने की एक्टिंग करने की कोशिश करते होंगे, पर ये हो जाता है बस धीरे धीरे काम करते, पर मुझे याद है जब मैंने एक्टिंग शुरू की थी और जब मैं अपना वो सबसे पहला वाला शॉट या पहले वाला सीन या पहला एपिसोड देखता हूँ, 8-9 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जो शायद बहुत से लोगों ने नहीं देखा होगा क्योंकि वो तो ऑन एयर ही नहीं आया, शायद क्या किसी ने नहीं देखा होगा, तो वो जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है उसमें कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू पुट इन थिंग्स, और वो दिख रहा है, मतलब इतना गंदा लग रहा है वो कि मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन अब मुझे ऐसा वो सब देख के मुझे ऐसा लगता है कि वैसी एक्टिंग कभी नहीं करनी है, हमेशा ओके ऐसे करना है जैसे आप नॉर्मली बात कर रहे हैं किसी से, आप नॉर्मली जब बात करते हैं तो आपके डायलॉग डिलीवरी या आप जैसे बात करते हैं मैं ट्राई करता हूँ कि वो नॉर्मल रखूँ, हाँ अगर कहीं किसी कैरेक्टर में जरूरत है तो बात अलग है, लेकिन अगर आप, आजकल बहुत सटल एक्टिंग का जमाना है, नॉर्मली जैसे नॉर्मल लोग बात करते हैं वैसे ही तो वो एक्सप्रेशन अपने आप आ जाते हैं। ग्रेट ग्रेट सर, बट वी लव यू ऑन स्क्रीन एंड योर एक्सप्रेशंस. बिल्कुल सही कह रहे हैं पायल देव.
सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है विशाल ने आप कहा, तुमने देखा है कितनी बार देखा है? तुम तो बिजी रहते हो यार देखा अपने मीम्स वगैरह। एंड पीपल, मैं वो भी पूछने वाला था जैस्मिन बसेन के साथ कितना मजा आया आपको। जैस्मिन वसीम के साथ मैंने काम किया 2 महीने, 2.5-3 महीने काम किया हमने। उनका जितना पार्ट था उन्होंने किया, फिर वो चली गई। बट शी इज अ वेरी स्वीट गर्ल, बहुत क्यूट है और दिल की बहुत साफ है। तो आगे भी चल के बहुत जल्दी अगले किसी शो में काम करना जरूर पसंद करूंगा, बिकॉज शी इज अ गुड पर्सन। ग्रेट 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 टू नो दैट। अभिषेक श्रीवास्तव है साउथ कोरिया से एंड ही इज आस्किंग योर फेवरेट इरफान खान एंड ऋषि कपूर मूवी। देर आर सो मेनी। एक तो बोलना मतलब मुश्किल ही है कि कौन सी, लेकिन मुझे इरफान खान तो ही इज माई फेवरेट। मुझे उनकी हर मूवी पसंद है। ऋषि कपूर भी, मुझे उनकी सेकेंड इनिंग उनकी फर्स्ट इनिंग से ज्यादा पसंद है। ऋषि कपूर रोमांस तो उन्होंने, और वो एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने बहुत नेचुरल एक्टिंग शुरू से की है। अगर आप देखें तो उस टाइम पे, उस जमाने में जब लोग अपना अपना स्टाइल बना के एक्टिंग किया करते थे, एक्टिंग जैसे कि मैंने बोला कि एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसा पता चलता था कि एक्टिंग कर रहे हैं, कि अगर इमोशन में है तो दे विल बी मेकिंग सच फेसेस एंड एक्सप्रेशन। ऋषि कपूर नेवर डिड दैट एंड ही वाज वेरी नेचुरल। मुझे उनकी सेकेंड इनिंग में से, हाउ डू आई पिक 1 or 2 पिक्चर्स यार, मुझे मुझे उनकी बहुत सोच सारी फिल्में पसंद है। रहा हूँ आंसर कौन सा देंगे मैं, इतनी सारी मूवीज हैं, हाउ वी कैन आंसर जस्ट वन मूवी फॉर बोथ। बहुत सारी हैं, ये मुश्किल है, और ये एक तरह से मुझे लगता है कि एक मूवी पिक करना एक तौहीन होगी, सो आई वुड नॉट डू दैट। राइट आयत है ये आपसे रिक्वेस्ट करी कि प्लीज से वन डायलॉग ऑफ देव पारिक। वन डायलॉग देव पारिक। यार देव पारिक के जो, जैसे कि मैंने बोला ना, बहुत नॉर्मल जैसे हम बात करते हैं वैसे डायलॉग रहते हैं, तो ऐसे डायलॉग कई बार क्या है, याद नहीं रहते हैं। तो मैं याद करता हूं, तब तक हम बात करते हैं, जैसे ही याद आएगा मैं बताऊंगा। Yeah, lots of your fans are asking, sir, when you will be back on screen and Nagin वापस कब आएगा? जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा उसके अगले दिन से हम शूट करना शुरू कर देंगे, और उसके 1-2 दिनों में आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो हम भी उतनी बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि हम कब शूटिंग शुरू करेंगे और आपको एंटरटेन करेंगे। जी स्मिता कह रही है वीजे आई लव योर सेंस ऑफ ह्यूमर। थैंक यू स्मिता, थैंक यू। सेंस ऑफ ह्यूमर का ऐसा है कि थोड़े बहुत मजाक मस्ती अगर हम अपनी लाइफ में रखते हैं तो अच्छा रहता है, इसलिए ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं बहुत ज्यादा अच्छा मजाक कर लेता हूँ या बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है मेरा। एक नॉर्मल इंसान हूँ, इंसानों की तरह बात कर लेता हूँ तो। या सो नहीं सर बट योर फैंस लव्स यू फॉर दैट सो दैट्स व्हाई दे आर कमेंटिंग। अनुज थैंक पूछ रहे यू। हैं सर हाइट कितनी है। मेरी हाइट कितनी है? मेरी हाइट 5'11" है, ओके 5'11½" होगी शायद, इतना ऑलमोस्ट मैंने 6 फुट मापा नहीं। हाँ, विद बाल सुजाता ऊपर करने के बाद 6 हो जाता हूँ। राइट सुजाता कुलारी है एंड ये पूछ रही सर हाउ इज योर बॉन्डिंग विद मीरा ऑल्सो शेयर सम फनी मेमोरीज ड्यूरिंग उड़ान शो। मीरा इज अ वेरी गुड फ्रेंड, और बहुत सारी मेमोरीज है हमारी, क्योंकि हमने 3 साल के लिए एक साथ काम किया। फॉन्ड मेमोरीज में ये है कि मैंने उसका ग्रोथ देखा है एज एन एक्टर। जब वो आई थी तो बहुत अलग तरह की एक्टिंग करती थी, अब बहुत पॉलिश्ड एक्टिंग करती है, तो वो है। और एक और चीज है कि उसमें सीखने की इच्छा है, यानी जब आप कोई फीडबैक देते हैं ना, आप उसी इंसान को देंगे जो मैं, तो उसी इंसान को देता हूँ फीडबैक, या जो मुझे लगता है कि जिसका ग्लास पूरी तरह से भरा हुआ नहीं है, जिसका राइट ग्लास, अपना ग्लास यानी अपनी नॉलेज का ग्लास को थोड़ा अगर आप समझें कि आप उसमें थोड़ी जगह रखनी चाहिए सीखने के लिए, तो ऐसे लोगों को ही आप फीडबैक दे सकते हैं, तो वो एक क्वालिटी बहुत अच्छी है। ग्रेट ग्रेट सर। ब्रिंदेव इज आस्किंग हाउ इज योर बॉन्डिंग विद निया शर्मा एंड अगेन हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद हर इन नागिन निया शर्मा के साथ। आई एम स्टिल एक्सपीरियंसिंग दैट, अभी तो शो चालू है और शो चलता रहेगा, ये एक बीच में एक थोड़ा सा गैप आ गया है। बट निया के साथ में काम करना बहुत अच्छा है, उसका सीन्स बहुत अच्छे होते हैं, शी इज वेरी गुड विद हर वर्क।
और एक एनर्जी बहुत अच्छी लाती है वो, जो भी सेट पे आती है, और कभी कभी हाइपर भी होती है, तो वो भी चीज वर्क करती है. और शी हैज गॉट अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, तो वो एक बड़ी वाली फीलिंग आती है. ग्रेट ग्रेट. राधिका इज आस्किंग, डू यू प्रैक्टिस योगा ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन एंड वुड यू लाइक टू गिव एनी फिटनेस टिप्स टू योर फैंस? योगा मैं इतना ज्यादा नहीं करता हूँ, कभी कभी प्राणायाम वगैरह या ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर लेता हूँ, लेकिन ज्यादा फोकस मेरा रहता है वेट ट्रेनिंग पे, मुझे वो बहुत पसंद है. और कार्डियो वगैरह मैं घर पे हर रोज 1 घंटा शाम को एक्सरसाइज करता हूँ. और मैं सबको हमेशा ये कहता हूँ कि आपको अपने लिए अगर आधा पौना घंटा आप अपनी लाइफ में निकाल लें हर रोज, अभी तो लॉकडाउन है तो टाइम ही टाइम है, लेकिन जब आप काम भी कर रहे हैं तब आपको आधा पौना घंटा अपने लिए निकालना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने लिए इतना नहीं कर सकते तो क्या ही जियोगे यार. राइट. अभी जो वो एक्सक्यूज देते थे वो एक्चुअली आलसी है जो अभी भी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे. हाँ अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो एक्सक्यूज देते हैं कि अरे अब तो जिम बंद है, जब जिम चालू थे तब कौन सा जा रहे थे भाई. और दूसरी बात ये कि आपको एक्सरसाइज करने के लिए जिम की कोई जरूरत नहीं है. आजकल आप यूट्यूब खोलिए या कोई भी, आप इंस्टाग्राम पे देख लीजिए, इतने सारे लोग होते हैं जो वीडियोस डालते हैं जो बिना आप इक्विपमेंट्स के कर सकते हैं. मैं बिना इक्विपमेंट्स के एक्सरसाइज कर रहा हूँ. राइट. बहुत कई लोग इतने ज्यादा नेगेटिव हो गए हैं कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, नाम नहीं लूंगा मैं क्योंकि मैं उनसे काफी छोटा हूँ एक्सपीरियंस में, नाम लेके उन्हें जलील नहीं करना चाहूंगा, लेकिन लेकिन कह रहे हैं कि अरे लोगों के पास ये क्या वीडियोस डालते जा रहे हैं अपने एक्सरसाइज के, या अरे वो मोटिवेट करने के लिए डाल रहे हैं. जो लोग डाल रहे हैं तो बहुत सारे लोग मोटिवेट भी हो सकते हैं, तो उसको आप पॉजिटिवली लीजिए. आप क्यों, आप अगर नहीं कर रहे हैं तो आप क्यों चाहते हैं कि सब दूसरे लोग भी ऐसे दुखी रह के अनफिट रह के ये लॉकडाउन बिताएं. और कई लोगों ने बोला कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में सोचना है, तो उसके बाद में वो लोग दिखे नहीं कि उन्होंने कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी. मैं हर रोज इंस्टा खोलता हूँ, उन लोगों के पेजेस देखता हूँ कि आज शायद उन्होंने सिटी के लिए, देश के लिए कुछ किया हो, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ किया हो, कुछ नहीं किया है, लेकिन दूसरों के वीडियोस देख के राइट पता नहीं क्यों प्रॉब्लम हो रही है. सर, वो है कि दूसरों का देख के कमियां ढूंढना एंड खुद कुछ नहीं करना, वही हो ये गया. बहुत खराब एटीट्यूड है. तो जो भी मुझे इस वक्त देख रहा है या बाद में भी ये वीडियो देखे, प्लीज ये जो अपना सोच है इसको थोड़ा ठीक कीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए. और खास तौर पे इन्फ्लुएंसर्स और जो सेलिब्रिटीज हैं उन्हें पॉजिटिव मैसेजेस देने चाहिए, ऐसे बेकार के मैसेजेस नहीं देने चाहिए. आपको नहीं राइट पसंद है राइट आप मत देखिए, राइट. राइट. इवन आई कुड, मैं कई बार देखता हूँ चैट में आके लोग उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, इफ यू आर नॉट लाइकिंग जस्ट लेट इट गो. आप क्यों आके किसी के बीच में हाँ आर्गू कर? वो होता है कई बार, आपके जो आप स्टोरीज या पोस्ट डालते हैं उनके नीचे कई लोग होंगे जो अटेंशन सीकिंग के लिए बहुत खराब मैसेजेस या कमेंट्स डाल देते हैं. मैं शुरुआत में जब मैंने ज्वाइन किया था ये सब, उन सबको देखता था पढ़ता था, लेकिन फिर मुझे लगा कि इसका कोई फायदा नहीं है, तो अब मैं कमेंट्स आई एम सॉरी बट ज्यादा तौर पे नहीं पढ़ता हूँ. इस रीजन से नहीं पढ़ता हूँ कि अगर ऐसा कोई नेगेटिव कमेंट होगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने राइट. कमेंट्स बंद नहीं करके रखे हुए हैं, लेकिन मैं ज्यादा नहीं पढ़ता, ये सच है. या एंड आई एम सॉरी, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता ये बोल के, लेकिन रीजन मैंने आपको बताया क्या है. बिकॉज ऑफ सच एक्टिविटीज कई एक्ट्रेसेस ने अपने कमेंट बॉक्स ही ऑफ कर दिए हैं बिकॉज दे गेट सच वियर्ड कमेंट्स ऑन देयर पोस्ट. वो भी है, और मुझे लगता है कि वो सब चीजों का फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए, वो बंद भी नहीं करना चाहिए. आप पढ़ना बंद के वो चीजों को आप इतना सीरियसली नहीं ले सकते. ऐसे तो हजारों लाखों कमेंट्स कितने बड़े बड़े एक्टर्स को दिए जाते हैं, तो अगर वो एक अटेंशन सीकिंग होती है तो राइट हमको उसमें नहीं पढ़ना है. राइट राइट सर, रियली राइट थिंग सेड बाय विजेंद्र सर. सुकोर ड्रीमलैंड एक इनसाइड है एंड इनका क्वेश्चन है, इन उड़ान देयर वाज सो मेनी डायलॉग्स दैट वर इन शुद्ध हिंदी, सो हाउ डिफिकल्ट इट वाज फॉर यू एंड मीरा टू डिलीवर इट? हिंदी हमारी मदर टंग है, उसमें क्या डिफिकल्टी है. वो कैरेक्टर ऐसे थे, एक टाइम के बाद में आपको आदत हो जाती है कि
और कई बार ऐसा हो जाता था कि राइटर कभी कभी बीमार हैं तो उनके असिस्टेंट लिख रहे हैं, तो वो कई बार नॉर्मल जो हम हिंदी रेगुलर उसमें यूज करते हैं इंग्लिश के साथ, इंग्लिश वो भी डाल देते थे कई बार, तो हम एज एक्टर्स खुद उसे चेंज करके अपने कैरेक्टर के हिसाब से बोलते थे। तो हिंदी तो हमारी लैंग्वेज है, बचपन से पढ़ी है, फर्स्ट लैंग्वेज हमारी इंग्लिश नहीं है, जो कि कई लोगों को अब लगने लगा है कि इंग्लिश इज आवर फर्स्ट लैंग्वेज, इट इज नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज। इवन इफ वी आर नॉट गुड इन इंग्लिश, नेवर लुक डाउन ऑन सच पीपल, क्योंकि ये हमें दूसरी कंट्रीज से ये सीखना चाहिए कि अपनी लैंग्वेज की हमें ज्यादा वो हमें ढंग से आजकल ये ट्रेंड है कि कई लोगों को हिंदी आती है, मैं देखता हूँ कई लोगों को, एक्टर्स हैं मेरे फ्रेंड्स हैं, कई दूसरे लोग भी हैं दूसरी इंडस्ट्री, हिंदी बोलने के लिए पता नहीं अलग अलग से क्या कर रहे, घर पे अपनी माँ के साथ में ढंग से बात करेगा लेकिन सबके सामने हिंदी नहीं बोली जा रही है, हिंदी नहीं बोली जा रही है, यार तुम हिंदुस्तानी हो क्या, पासपोर्ट जमा कर दो फिर कहीं और चले जाओ। नो सर, दैट्स अ वेरी एक्चुअली अ मैं नहीं गुड मानता कि लोगों को हाँ अगर आप साउथ से हैं या फिर आप ऐसी किसी रीजन से हैं जहां पे हिंदी ज्यादा नहीं बोली जाती तो बात अलग है, लेकिन आप अपने या घर में ढंग से बोल रहे हैं और दूसरों के सामने शो ऑफ कर रहे हैं, अरे और इट इज वेरी डिफिकल्ट, हिंदी में इंटरव्यू करना पड़ेगा, ओ यार तुम हिंदी सीरियल कर रहे हो। राइट राइट राइट, बहुत सही सर। अलीज़े फरहान है एंड ये कह रही है ब्लैक सूट्स यू द मोस्ट एंड यू आर लुकिंग मोर फ्रेश ड्यूरिंग लॉकडाउन। ऑफ कोर्स बिकॉज मैं बहुत सारा रेस्ट कर रहा हूँ, मैंने जैसे बताया स्ट्रेस ज्यादा ले नहीं रहा हूँ और आराम है तो फ्रेश तो लगूंगा, और ब्लैक थैंक यू सो मच सूट कर रहा है, वैसे मुझ पे सारे कलर सूट करते हैं आप देखिए, मैं हमेशा अलग अलग कलर पहनता हूँ तो उस चीज में बहुत कॉन्फिडेंट हूँ मैं। गीता रानी इज आस्किंग आपकी फेवरेट हॉलीवुड एक्ट्रेस और एक्टर कौन है? हॉलीवुड एक्टर एल पचीनो मुझे बहुत पसंद है, उनके उनकी कई फिल्म्स भी अभी मैं देख रहा हूँ पुरानी पुरानी निकाल के, आज की डेट में मुझे ब्रैड पिट पसंद है, मुझे लियोनार्डो डिकैप्रियो बहुत पसंद है, नाइस। जूलिया रॉबर्ट्स इज माय फेवरेट हॉलीवुड फीमेल एक्टर बहुत टाइम से, ग्रेट ग्रेट। आजकल मोहित ज्यादा फिल्में वीर, करती नहीं है। ओके या जी, मोहित वीर है, ये कह रहे हैं सर यू लुक लाइक सिद्धार्थ मल्होत्रा। ओके थैंक यू सो मच, ये मुझे पहले बोलते थे लोग जब मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन आजकल तो बहुत दिनों बाद ये कॉम्प्लीमेंट सुना मैंने, थैंक यू, बहुत गुड लुकिंग है सिद्धार्थ मल्होत्रा, तो उनके साथ अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो अच्छा ही है, अच्छा कॉम्प्लीमेंट है सर, काफी अच्छा कॉम्प्लीमेंट अच्छा है। कॉम्प्लीमेंट है ऑफ कोर्स। विजेंद्र कुमेरिया ऑब्जेस्ट इनसाइड ही पूछ रहे हैं, वन थिंग यू आर मिसिंग द मोस्ट ड्यूरिंग लॉकडाउन। मिसिंग द मोस्ट तो शूटिंग ही बोलूंगा मैं शूटिंग करता हूँ और शूटिंग और फैमिली ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं मेरी लाइफ में, तो मैं शूटिंग को ही मिस कर रहा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा ये पार्टीज वगैरह का शौक नहीं है तो ना मुझे शॉपिंग वगैरह का शौक है ज्यादा, मैं 2 महीने में 3 महीने में एक बार जाके ले लेता हूँ, या फिर मेरी वाइफ ही ज्यादा तौर पर शॉपिंग करती है, तो ये सब चीजें रेस्टोरेंट वगैरह बाहर का खाना मुझे पसंद नहीं है, तो मुझे मिस मैं अगर ग्रेट कर रहा हूँ तो मैं अपनी शूटिंग मिस कर रहा हूँ सबसे ज्यादा। सर। एक छोटा सा क्विज है, आपके एक फैन ने दिया है सुकोर ड्रीमलैंड ने, सो मैं आपसे पूछूंगा, आपको दो चॉइसेस आपको सेलेक्ट करनी है आउट ऑफ दोस टू, सो यू जी हैव जी टू बोलिए। चूज बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, बोल्ड और ब्यूटीफुल। बोल्ड 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 मतलब बोल्ड का आजकल मीनिंग ही अलग बन गया है, बोल्ड का मीनिंग सिर्फ ये नहीं है कि जो आप बोल्ड सीन्स की बात करते हैं, बोल्ड इज बीइंग बोल्ड विद योर थॉट्स, वो बहुत सही है। कॉमेडी और थ्रिलर। टफ है बट कॉमेडी, कॉमेडी, वेब सीरीज और टीवी शोज। काम करने के लिए टीवी शोज और देखने के लिए वेब शोज। नागिन और उड़ान। मैं प्रेजेंट में रहता हूं तो इस वक्त नागिन। ओके, सो हु इज योर फर्स्ट प्रपोजल बिफोर यू मेट प्रीति? आपको पहला प्रपोजल किसने किया था बिफोर यू मेट प्रीति? मुझे प्रपोज किसी ने नहीं किया था, हाँ ओके बट
ऑफ कोर्स लाइफ में फ्लिंग्स हुए थे, ऐसा नहीं कह रहा कि मैं कोई संत हूँ, लेकिन हाँ, लेकिन प्रपोज मुझे अगर इस रिलेशनशिप में पूछे तो प्रीति ने किया था। मैंने मैं प्रपोज नहीं करता था किसी को, मैं बहुत सेफ बेट सर खेलने बहुत वाला इंसान था। आई नो सर बहुत ज्यादा शेयर है मीडिया वर्ल्ड है एंड ये पूछ रहे हैं सर व्हाट्स योर ओपिनियन ऑफ गेटिंग कास्टेड इन अ माइथोलॉजिकल शो. माइथोलॉजिकल शो पर्सनली मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगते हैं करने एज एन एक्टर। मैं मतलब जिस तरह की मेरी एक्टिंग रही है, जैसी मेरी अप्रोच रहती है, मैं ये नहीं कह रहा कि डिफिकल्ट है इसलिए नहीं, बट मैं अपने आप को देखता नहीं हूँ उसमें। तो मुझे कई ऑफर्स आए थे उड़ान के बाद, विष्णु भगवान और आई डोंट नो मेनी मेनी ऑफ दोज, बट आई बहुत मैंने प्यार से उन्हें टर्न डाउन किया बिकॉज मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ वो करने के लिए। सो वन इंस्टा आईडी इज देयर देवी देवी नाम इनका एंड शी सेइंग लॉट्स ऑफ ग्रीटिंग्स टू यू फ्रॉम मलेशिया. सॉरी आई डिडन्ट गेट द नेम, क्या या नाम देवी बताया आपने? देवी इज हर सॉरी, नेम एंड शी सिंग लॉट्स ऑफ ग्रीटिंग्स देवी देवी हाय देवी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द ग्रीटिंग्स एंड आई होप यू आर सेफ एंड साउंड एंड लॉट्स ऑफ लव। सो सर मेरे पास थोड़े और ज्यादा क्वेश्चंस है हम ट्राई करेंगे कि जल्दी से उनको आंसर करें बिकॉज मेरे पास एक फन सेगमेंट भी है क्योंकि रेगुलर लाइव चैट में सिर्फ बातें होती है तो मैं चाहूंगा कि वो फन सेगमेंट करेंगे हम. सो मैं कुछ क्वेश्चंस और दे यस देता यस, हूँ आप. आफ्रा श्योर है श्योर एंड श्योर, गो अहेड। पूछ रही कि आपका फेवरेट चाइल्डहुड गेम कौन सा था. फेवरेट चाइल्डहुड गेम मेरा बहुत यूनिक था, जो इंडिया में ज्यादा पॉपुलर नहीं है, क्रिकेट। एक्चुअली ग्रेट योर फेवरेट क्या है कि हम लोगों के पास ज्यादा ऑप्शन तो नहीं होते थे बचपन में एकदम, बट देन व्हेन आई ग्रू अप तो फिर बाद में बास्केटबॉल भी मैं खेलता था। ओके तो सर आप वो अपन जिसे कपड़े धोते थे उससे भी खेलते थे क्या क्रिकेट. सोटी कहते थे उसको वो हाँ, अपन उससे भी हमारी खेला है और फिर एक हाँ जी, वो उससे भी खेला है और वो जो लकड़ी के बैट बनवा के खेलते थे, जो कई बार अगर आपने जोर से मार दिया तो टूट भी जाते, उन सब से भी खेला है। फिर प्रॉपर मैचेस भी खेले हैं स्कूल के, इंटर स्कूल वगैरह। तो या क्रिकेट एंड सर ऑफ कोर्स पीपल इंडिया में एक रिलीजन है। जी राइट सो पीपल आर स्टिल वेटिंग सर आप या तो देव का या सूरज का एक डायलॉग बोल के बताइए. है आपने सोच लिया क्या. देव का डायलॉग ऑल राइट, एक अभी मेरे दिमाग में आ रहा है जो थोड़ा सा हाई पिच पे था तो इसलिए मेरे दिमाग में रह गया वो डायलॉग। तो वो डायलॉग कुछ ऐसा था कि जो मेरी वाइफ है वो प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन मेरी कजिन जो है वो प्रेग्नेंट है, इसलिए उसकी छुपाने के लिए उसने अपने ऊपर ले लिया है। एंड देन द होल फैमिली इज फायरिंग। एक पॉइंट पे आके वो देव बोलता है कि इनफ इनफ इज इनफ, वृंदा मेरी बीवी है और वो प्रेग्नेंट है, यानी ये बच्चा मेरा है, दैट्स इट, यही सच है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये नॉर्मल, जैसे मैंने बोला कि बहुत बट सर नॉर्मल डिलीवरी रखी है तो आई होप ऑल फैंस आर हैप्पी टू हियर दैट बिकॉज उनकी रिक्वेस्ट आ रही थी एंड सर ने फुलफिल करी है. सो आफ्रा वांट्स टू नो योर फेवरेट ड्रिंक. फेवरेट ड्रिंक माय फेवरेट ड्रिंक, आई लव छाछ, और वो गर्मी के सीजन में मैं रोज पीता हूँ, आज भी मतलब लंच के टाइम पे, बिकॉज इट कीप्स यू कूल फ्रॉम इनसाइड। तो छाछ मुझे बहुत पसंद है, बटर मिल्क। ग्रेट निकिता गर्मांत है एंड ये पूछ रही है ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 हाउ वुड यू रेट मीरा एज एन एक्टर को एक्टर फ्रेंड एंड एज अ पर्सन ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10. ओके, मीरा एज एन एक्टर आई वुड से 7, बिकॉज देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, और एज अ को एक्टर आई वुड से 10 on 10, क्योंकि वो मैंने जैसे कि बताया कि बहुत सीखने की कोशिश करती हैं और बहुत के लिए पूरे पॉइंट्स हैं। और एक और क्या, किस चीज में?
आर यू देयर सर? सर आपका स्क्रीन थोड़ा बफर हो रहा है। आई एम देयर, आई डोंट नो, मेरा तो नेटवर्क भी ठीक है. ओके या नाउ नाउ आई कुड सी यू एंड हियर यू। हाँ, तो वो पॉइंट्स मैंने दे दिए. मतलब एज एन एक्टर 7, एज अ को एक्टर 10, एंड एज अ फ्रेंड ऑल्सो आई विल गिव अ 10. एंड एज अ पर्सन एज अ पर्सन भी इम्प्रूवमेंट सब में कभी ना कभी होनी चाहिए, तो उस हिसाब से मैं 8 बोलूंगा. ओके सो वन मोर क्वेश्चन इज योर ड्रीम रोल व्हिच यू वुड लाइक टू डू इन कमिंग टाइम। ड्रीम रोल, मैंने जोकर देखी थोड़े दिन पहले, तो वो मुझे ओके काफी, मतलब एज एन एक्टर मुझे लगा कि बहुत डिफिकल्ट है, तो ऐसा कुछ चैलेंजिंग अगर करने को मिले तो. ग्रेट ग्रेट। एनी चांसेस ऑफ उड़ान सीज़न 2? आई वुड से नेवर, पीपल हैव रियली लाइक्ड अवर वर्क. जो भी जितने भी उड़ान की कास्ट थी, जितनी भी स्टोरी वगैरह थी, इट वॉज ऑल वेरी मच अप्रिशिएटेड बाय ऑल. तो अगर आगे चल के, आजकल तो सीजन्स का जमाना भी है, तो लेट्स सी, यू नेवर नो. पर अभी कुछ पता नहीं. ओके विजेंद्र कुमेरिया ऑब्जेस्ट का एक क्वेश्चन है। व्हाट थिंग्स किमाया डू नाउ डेज दैट रिमाइंड यू ऑफ योरसेल्फ व्हेन यू वर अ किड? देर आर लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज. जैसे हंसना, उसका उसका बचपन में जैसे मैं हंसता था, वैसे वो हंसती है, नॉटी है, शी इज अ हैप्पी गो लकी किड. तो वो सब ऐसी चीजें, मैं भी बचपन में ऐसा ही था, ज्यादा रोना धोना नहीं होता था. टच वुड, शी इज ऑल्सो लाइक दैट. और बहुत सारी ऐसी चीजें, और शक्ल भी काफी मिलती है हमारी. ग्रेट ग्रेट। अलीजे फरान है एंड शी वांट्स टू नो योर फेवरेट फैन मोमेंट एंड हाउ डू यू फील दैट फैंस शॉवर सो मच ऑफ ब्लेसिंग्स एंड लव अपॉन यू? फेवरेट फैन मोमेंट, मैं ये कहूंगा कि एक बार एक ओल्ड लेडी हैं जो हमारे सेट पे आई थी, और काफी टाइम से वो सेट पे अलाउड ऐसे नहीं होते हैं सब लोग आने. तो मैंने देखा बाहर खड़े थे ये कुछ लोग, उनमें एक ओल्ड लेडी थी. तो मैंने कहा कि यार उनको अगर फोटो वगैरह खिंचवानी है तो बुला के कर दो, जाने दो, क्यों इतनी देर बाहर खड़ा किया वो. तो आई वेंट देयर, मेट हर. तो आई लर्न्ड दिस फंडा ऑफ लिविंग द मोमेंट. आजकल हम लोग हर चीज को कैप्चर करने में लगे हुए हैं. जैसे आपने कुछ भी देखा तो आप कैप्चर करेंगे, उसे इंस्टा स्टोरी पे डालेंगे. उनको मुझसे कोई राइट पिक्चर नहीं चाहिए थी, उन्हें उन्हें बस मुझसे हाय हेलो करना था और मुझे आशीर्वाद देना था. ना पिक्चर ओके चाहिए थी, ना कोई ऑटोग्राफ चाहिए था, ना कोई मेमोरी चाहिए थी. तो दैट इज कॉल्ड लिविंग इन द मोमेंट. सो आई लर्न दैट फ्रॉम दैट लेडी. बाकी सब का क्या होता है कि फोटो खिंचाई निकल गए, फोटो की हर चीज को आपको कैप्चर करना है आजकल. बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, जैसे आप लाइटनिंग शो हो रहा है, आप लाइटनिंग एंजॉय नहीं कर रहे हैं, आप लाइटनिंग का वीडियो बना के इंस्टा पे डाल रहे हैं. आप सिंगापुर जा रहे हैं, आप हांगकॉन्ग जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, यहाँ इंडिया में बहुत सारे कुछ हो रहा है, आप बस कैप्चर करने में लगे हुए हैं. बाद में आप राइट उसको एक स्क्रीन पे देखेंगे, आप देखना नहीं चाहते लाइव क्या हो रहा है, आप वो मोमेंट एंजॉय नहीं करना चाहते. तो ये राइट चीज मैंने सीखी उनसे. ग्रेट ग्रेट। एंड आपके फैंस रिक्वेस्ट करे सर आप भी वर्कआउट वीडियोस पोस्ट करना स्टार्ट करिए ऑन योर इंस्टा प्रोफाइल। मैं करता रहता हूँ बीच बीच में, कभी कभी जब मुझे लगता है, लेकिन नॉर्मली मेरी शुरू से ये आदत नहीं रही है इतनी ज्यादा. मतलब जब मैं कर रहा होता हूँ वर्कआउट तो मैं क्या ही वीडियो बनाऊँ. तो कभी कभी, लेकिन हाँ, जब ऐसा लगता है कि ये कुछ अलग कर रहा हूँ तो मैं डाल देता हूँ. ओके ओके। विजेंद्र अंडरस्कोर FP आपका एक फैन पेज है एंड ये जानना चाहते हैं हु इज योर फेवरेट टीचर एंड व्हाई? हु इज माई फेवरेट टीचर? मैं, मुझे जब भी टीचर की बात आती है तो एक श्रॉफ टीचर थी, जब मैं स्कूल जाना शुरू भी नहीं किया था तो वो मेरे ब्रदर की टीचर हुआ करती थी. एंड मैं तब बहुत छोटा था, 4-5 साल का था, तब से वो मुझे बहुत पसंद है. ओके और मैंने उनसे कहा था कि जब मैं बड़ा होऊंगा मैं आपसे शादी करूंगा. तो जब भी टीचर, फेवरेट टीचर की बात आती है तो वही मेरे दिमाग में आते हैं. अभी भी मैं कुछ सालों पहले जब गया था, उनसे मिला था,
और वो भी याद करके हंसती हैं इस चीज को, तो वो मेरी हमेशा फेवरेट है और हमेशा मेरे दिल में है। वेरी क्यूट सर, वेरी क्यूट। श्रीतमा चक्रवर्ती है एंड ये पूछ रही है, लविंग बीजे एज देव हिम सो मच ऑन स्क्रीन, नागिन 4 इज हिज फर्स्ट बालाजी शो, हाउ इज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद बालाजी? लवली एक्सपीरियंस, और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन हमेशा एक एक्टर जो टेलीविजन में, इंडियन टेलीविजन में काम कर रहा है, उसकी एक, वो कहे ना कहे, उसकी एक दिली ख्वाहिश हमेशा रहती है कि वो बालाजी का एक शो करे, एकता कपूर के लिए काम करे, बिकॉज वो हमारे जो इंडस्ट्री है उसकी जीनियस प्रोड्यूसर है। तो ये मौका मुझे मिला और उनके सबसे बेस्ट ब्रांड के साथ मिला, उसकी फ्रेंचाइज का फोर्थ पार्ट कर रहे हैं, तो दिस इज समथिंग जो मैं कहूंगा कि गॉड हैज बीन वेरी काइंड। ग्रेट ग्रेट सर। योर फेवरेट सिंगर फ्रॉम 90s एरा? 90s में से उदित नारायण है, कुमार सानू है, और अभिजीत जी, उनके बहुत सारे गाने जो हैं, बाला सुब्रमण्यम, ओह ग्रेट। सलमान खान को तो सर सारे वही हाँ, बैकग्राउंड वर्क। पहले एक एक सिंगर असाइन हो गए थे कि ये इनका यस गाएंगे इनका, तो यस अब यस चेंज हो गई ये दिल चीजें क्या आई गेस आमिर खान के थे, अभिजीत शाहरुख खान एंड जी। सुब्रमण्यम सर सलमान खान, बाल ये जी प्रिया जी 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 करेक्ट। पाटिल है, या प्रिया पाटिल पूछ रही है, हाउ इज योर इक्वेशन विद जैस्मिन भैसिन, जैस्मिन के साथ? मैंने जैसे कि बताया कि फ्रेंड्स हैं, और लकीली मेरे सारे को एक्टर्स के साथ है, मेरी अच्छी पड़ती है, अच्छे दोस्त बन जाते हैं, बिकॉज म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहती है, तो उनके साथ भी वैसा ही है। ओके तो सर काफी सवाल हो गए और ये खत्म नहीं होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने लेफ्ट भी किए क्योंकि सेम फैंस के थे, बट मेरे पास एक छोटा जी सा फन सेगमेंट, मैं जाते जाते आपको थोड़ा सा ये सेगमेंट मैं ऋषि सर एंड इरफान खान को डेडिकेट करवाना चाहता हूँ आपके थ्रू। सो सेगमेंट ये है कि कुछ उनके डायलॉग्स हैं काफी फेमस है एंड आपको वो फिल्म प्रिडिक्ट करनी है कि वो कौन सी है। ओके, लेट्स डू दिस। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैं ये हिंट दे दूंगा कि कौन सी किस एक्टर का है, ऋषि जी का है कि इरफान जी का है, बट मूवी आपको बताना है, ठीक है? सो आई'ल ट्राई। फर्स्ट, ये हेडमास्टर हेडमास्टर नहीं है जी, ये बिजनेसमैन है, आजकल पढ़ाई पढ़ाई नहीं है, ये धंधा ही धंधा है। ये इरफान खान का है और ये हिंदी मीडियम का है ग्रेट सर ग्रेट, राइट राइट। जी। ओके तो नेक्स्ट वन है, बीहड़ में बागी होते हैं, पान सिंह तोमर डकैत है, मिलते हैं, क्या बात है सर, ये तो मेरी फेवरेट मूवी है, मतलब ग्रेट। सो नेक्स्ट वन, हर इश्क का एक वक्त होता है, वो हमारा वक्त नहीं था, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो इश्क नहीं था। ये है तो इरफान खान का, बट जी, का डायलॉग है ये ऋषि जी का डायलॉग है। ये ऋषि जी का डायलॉग है। हाँ, हर इश्क का एक वक्त होता है, वो वक्त हमारा नहीं था, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो इश्क नहीं था। लव आजकल है क्या? इस मूवी में शाहरुख खान भी थे एंड दीवाना, कैटरीना, अच्छा नहीं कटरीना ये भी, जब तक है जान, बट सॉरी ये राइट मूवी मैंने देखी नहीं है। नो वरी सर, ठीक है मैं आपको हिंट दे दूंगा। नेक्स्ट वन जी इज, मोहब्बत रीत रिवाज नहीं मानती और ना ही वो लफ्जों की मोहताज है, ये ऋषि सर आई का है। थिंक ये ऋषि सर का प्रेम ग्रंथ का है क्या ये? शायद नहीं, नहीं, पिछला नाम आपने बोला था शायद मूवी का, राइट पीछे दीवाना राइट राइट जी। राइट। ठीक है एक लास्ट लूंगा, मुझे ट्रिगर अपने की, डायलॉग याद नहीं रहते हैं कई बार बट ठीक है सर स्टिल आप अच्छा, मैं आपको हिंट दे दूंगा बट स्टिल आप अच्छा कर हाँ रहे हैं। लास्ट वन, ट्रिगर खींच मामला मत खींच, खींच गया ना तो बहुत तकलीफ दूंगा। ये मुझे लगता है डी का है, ये डी का इसमें है और इरफान ऋषि तो है, के ये साथ डी डे बात का, हो रही है, लेकिन ऋषि जी बोल रहे हैं। राइट ये डी डे का है, इसमें ऋषि सर और इरफान खान दोनों हैं।
जी जी ग्रेट सर, ग्रेट। सो आपने ऑलमोस्ट 4 सही प्रेडिक्ट कर लिए खुद से। जी सो बिफोर आई रैप अप दिस लाइव सेशन, आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। सो वन क्वेश्चन इज थोड़ा हाइपोथेटिकल है। इफ एंटायर वर्ल्ड्स अटेंशन टुवर्ड्स यू फॉर 30 सेकेंड्स, सो करंट सिनेरियो देखते हुए आप लोगों को क्या मैसेज, क्या टिप्स देना चाहेंगे अभी? करंट सिनेरियो देखते हुए तो मैं यही कहूंगा कि मुझ पे क्या ध्यान दे रहे हो यार, तुम लॉकडाउन से बाहर मत निकलो, घर में रहो, अपना ओके सर, 30 सेकेंड्स नहीं। ख्याल रखिए, बी सेफ, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और आई होप कि ये जल्दी खत्म हो और हम सब अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जाएं। दैट्स व्हाट आई विश फॉर एवरीबॉडी एंड लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन। बहुत मजा आया आपके साथ चैट करके। सेम या नीलू कोहली है वो आपको हाय बोल रही है। नीलू कोहली तो मेरी मॉम है, वो मतलब मॉम मतलब मेरे शो में मॉम बनती थी, उन्हें मैं मॉम ही कहता हूँ, तो लॉट्स ऑफ लव टू हर। मेरा बच्चा लव यू, वो सॉरी आई कांट हियर, व्हाट आर यू सेइंग? रही है हेलो विजू, मेरा बच्चा लव यू, नीलू बोली। एम आई ऑडिबल सर, मेरी वॉइस आ रही या है? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। या सो वो आपको बस बोली, आपको ग्रीटिंग्स दे रही है कि लव यू विजू, यू आर माई बच्चा एंड लॉट्स ऑफ लव। एंड जैसे मैंने बोला कि शी इज मॉम फॉर मी, तो मैं मॉम ही कहता हूँ उन्हें हमेशा। बहुत दिनों से मिला नहीं हूँ, लेकिन मैं बच्चा हूँ उनका और बच्चा ही रहूंगा हमेशा। लॉट्स ऑफ लव टू। आंसर आई वुड अप्रिशिएट, आपने बहुत टाइम दिया आज हमें। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आई होप यू एंजॉयड इंटरेक्टिंग विद अस। यस, आई डेफिनेटली आई एंजॉयड इट, एंड देर वर सो मेनी थिंग्स जो मैंने बताई हैं, जो मेरी दिल की बातें थी मैंने बताई हैं। किसी को हर्ट नहीं करना चाहता था मैं, कुछ चीजें मैंने ऐसी भी बोली हैं, बट इट्स ओके, आई एम स्पीकिंग माई माइंड। थैंक यू सो मच, आई ऑल्सो लव्ड इट, सो सी यू अराउंड नेक्स्ट टाइम। Stay safe. Lots of luck to you ahead. We'll meet you very soon after lockdown. यस ब्रो, सी यू। See you, sir. Have a nice day.